आज हम बनाएंगे आटा मैगी। तो आटा मैगी आप कोई भी कंपनी के यहाँ ले सकते हैं, और इसे एक प्लेट में निकाल ले और मसाला को अलग रख देंगे। तो यहाँ पर मैं दो आटा मैगी बना रही हूँ और इसे तोड़ लेंगे। तो इस तरह तोड़ लें, और पानी मेरा बॉयल हो रहा है, अब इस मैगी को इसमें पानी में हम डाल देंगे। और गैस का फ्लेम हाई रखें और इसे 2 मिनट के लिए बॉयल होने दें। इसे बीच बीच में चलाते रहें, और ये देखिए हमारे मैगी में बॉयल आ गया है। गैस को बंद कर देंगे और एक स्ट्रेनर की सहायता से इसे छान लेंगे, और इसे 2 से 3 बार हम नॉर्मल पानी से इसे धो लेंगे। इसे मैं धो ली हूँ, और इसे एक प्लेट में फैला देंगे ताकि हमारी जो मैगी है चिपके नहीं। अब एक पैन चढ़ा दें, पैन जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज डाल दें। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस कलर चेंज करना है। और अब इसमें डाल देंगे ये मिर्चा, और ग्रेट किया हुआ गाजर, शिमला मिर्च, और यहाँ पर बंद गोभी। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लें। मैं यहाँ गाजर को ग्रेट की हूँ, आप चाहें तो इसे पतले स्लाइस में काट सकते हैं। इसे 2 से 3 मिनट हल्के फ्राई कर लें। अब हम इसमें डाल देंगे ये मैगी मसाला और नमक, इसे भी 1 से 2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। देखिए हमारा मसाला जो फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो केचप। तो 2 से 3 चम्मच टमाटो केचप डाल दें और इसे इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब डाल देंगे ये मैगी जिसे मैं प्लेट में फैलाई थी, बहुत ही ड्राई हो गया है, तो इसमें इसे डाल दें और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोनों हाथों से इस तरह मसालों के साथ इसमें मिला लें। इसे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और इसे 1 से 2 मिनट इस तरह मिलाते हुए इसमें पका लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बनने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा ये आटा का मैगी है या मैदा का। तो यहाँ देखिए मैं मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से मिला ली हूँ। गैस को बंद कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ मेरा मैगी बनके रेडी है, ऊपर से टमाटो के सॉस डाल दें और सर्व करें। अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।